नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। दोस्तों ये भारतीय संविधान का पार्ट 6 है। इसके अंदर हम दोस्तों भारत का महान्यायवादी और उप प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और संघ की न्यायपालिका और सभी राज्यों से जो संबंधित अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों RRB NTPC, RRC ग्रुप डी और SSC 10+2, CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और UP पुलिस, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा तैयार किया है। तो दोस्तों आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि यदि आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से सभी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है भारतीय संविधान का भाग 6। इसके अंदर अनुच्छेद 76 ये कहता है भारत का महान्यायवादी होगा। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 88 कहता है यदि भारत का महान्यायवादी चाहे तो किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है। वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो है KK वेणुगोपाल, ये आपको ध्यान रखना है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है लेकिन इसके पास मुख्य न्यायाधीश की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जब तक चाहे राष्ट्रपति इसे रख सकता है। इसका वेतन भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 77 भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 78, ये कहता है भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराए। प्रधानमंत्री किस किस आयोग का अध्यक्ष होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 नीति आयोग, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी है। फिर आता है नंबर 2 पे NDMA यानी कि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपात प्राधिकरण संकरण। फिर तीसरे नंबर पर आता है IDA, आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर आता है चौथे नंबर पर NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर आता है PCB, पॉपुलेशन सेंट्रल बोर्ड। छठे नंबर पर आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड, जिसे वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। दोस्तों इन सभी 6 के 6 विभागों का या संस्थाओं का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आ जाता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपने लिए एक उप प्रधानमंत्री नियुक्त करवा सकता है राष्ट्रपति से सिफारिश करने पर। सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे वो रहे लाल कृष्ण आडवाणी। फिर आता है अनुच्छेद 79, संसद किससे मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये प्रश्न ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा व राज्यसभा में सीटों के आवंटन की समीक्षा दी जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 83, संसद का कार्यकाल। इसमें दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हर 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्वकालिक अवधि है वो 6 वर्ष है। लोकसभा को कैसे भंग किया जा सकता है इसे देखते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष भंग कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर सकता है। पहली बार लोकसभा कब भंग की गई थी ये दोस्तों 1980 में हुई थी। अनुच्छेद 84, लोकसभा सदस्य की योग्यता, इन्हें देखते हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है।
ये लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए क्या आयु होनी आवश्यक है, ये दोस्तों 30 वर्ष है। फिर आता है अनुच्छेद 86, संसद में राष्ट्रपति का भाषण, अनुच्छेद 87, संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का भाषण, अनुच्छेद 89, राज्यसभा का एक सभापति व एक उपसभापति होगा। जो राज्य का सभापति है फिलहाल तत्काल में वो है वेंकैया नायडू, और जो उपसभापति है वे है पीजे कुरियन, ध्यान रखना है ये सभी तत्काल में है। अनुच्छेद 93 क्या कहता है, लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है फिलहाल सुमित्रा महाजन जी है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है ये एम थम्बी बुरई जी है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 94, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना यानी कि महाभियोग, अनुच्छेद 94 में बताया गया है 14 दिन के नोटिस या 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। किसी पर एक बार लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगा है वो है जेवी मालवंकर 1992 में। फिर आता है अनुच्छेद 97, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 97 में बताए गए हैं। फिर आता है अनुच्छेद 98, उपराष्ट्रपति को राशि राज्यसभा के सभापति होने की मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है अनुच्छेद 99, मंत्रिपरिषद को शपथ। फिर आता है अनुच्छेद 100 यानी 100, संसद का कोरम, संसद की कार्रवाई के लिए 1/10 सदस्य होना चाहिए जिसे कोरम कहा जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 102, संसद के सदस्यों की अयोग्यता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 103, इसमें बताया है लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग द्वारा हटाया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 104, कोई भी सदस्य संसद सदस्य हटाने के बाद भी अगर संसद में आता है तो उसे ₹500 फाइन भरना होगा। फिर आता है अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। फिर आता है अनुच्छेद 110, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। फिर आता है अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति एक धन विधेयक को वापिस नहीं लौटा सकता। फिर आता है अनुच्छेद 112, वित्तीय वार्षिक वितरण, इसे संघीय बजट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अनुच्छेद 202, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर आता है अनुच्छेद 114, विनियोग प्रस्ताव। फिर आता है अनुच्छेद 120, संसद में विधेयकों की भाषा जो होगी वो हिंदी होगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है अनुच्छेद 122, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा लिए गए फैसले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में न्यायिक समीक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति को सिफारिश लगाएगा। आगे देखते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 123, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। फिर आता है संघ की न्यायपालिका, जो कि अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक है, इसे देखते हैं। अनुच्छेद 124 में कहा है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या है, 1, भारत का नागरिक हो, 2, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के पद पर होना चाहिए, या 10 साल तक उसके पास हाई कोर्ट का तजुर्बा हो। सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय पर काम नहीं कर सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 125 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, जिन्हें संसद निर्धारित करती है। फिर आता है अनुच्छेद 126, यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेगा, ये दोस्तों ऑटो करेक्शन की वजह से हुआ है, ये स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 127, अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट कितने जजों की बेंच बनी है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 13। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 130 भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा वो हमेशा राष्ट्रपति के घर के पास होगा। जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो है दोस्तों एच जे कानिया, जो कि 26 नवंबर 1950 से थे। फिर आता है अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय संघ का न्यायालय होगा। फिर आता है अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय की रिट निकालने की शक्ति। फिर आता है अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला पूरे भारत में मान्य होगा। आगे आता है अनुच्छेद 142, इसमें बताया है सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वो पूर्ण न्याय दे। फिर आता है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह, लेकिन ये सलाह राष्ट्रपति को मान्य नहीं होगी। फिर आता है अनुच्छेद 144 सभी जिले व उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में कार्य करेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 146 जितनी भी रिक्रूटमेंट भर्ती होगी वो सभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्ग्रहण होगी। फिर आता है अनुच्छेद 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारों का वेतन। फिर आपका आ जाता है भाग 6 जिसमें राज्य और अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 231 तक इसके बारे में बताया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें आता है अनुच्छेद 152 जम्मू कश्मीर इस भाग में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में निहित है। फिर आता है अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक से ज़्यादा राज्य के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है, ये भी आपको पता होना आवश्यक है। फिर आता है अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। फिर आता है अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर आता है अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो बढ़ा या घटा सकता है। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है अनुच्छेद 157 जिसमें राज्यपाल की योग्यता बताई गई है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष इसकी आयु होनी आवश्यक है, यह विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर आता है अनुच्छेद 158 राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। फिर आता है अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। फिर आता है अनुच्छेद 160 राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति, मौत की सज़ा को नहीं कर सकता लेकिन हाईकोर्ट की जो सज़ा मिलेगी उसे माफ़ कर सकता है। फिर आपका आ जाता है राज्य का मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद होगा, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री होगा। फिर आता है अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ राज्यपाल ही दिलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे। फिर आता है अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, यह राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और इसका पद राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है और शक्ति उससे ज़्यादा होती है। आगे आ जाता है अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में एक विधान परिषद विधानसभा राज्यपाल का प्रावधान है। विधान परिषद में 7 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये दोस्तों एक नोट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधान परिषद राज्यसभा की भांति कार्य करती है और इसकी योग्यता भी उसी के समान है, और जो विधानसभा है ये लोकसभा के भांति, इसकी योग्यता और आयु सभी लोकसभा की भांति कार्य करती है।
अनुच्छेद 169, संसद चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 170, एक विधानसभा में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट हो सकती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 172, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर आता है अनुच्छेद 173, विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता 25 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। फिर आता है अनुच्छेद 174, संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण। फिर आता है अनुच्छेद 176, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी 3 बार सदन में जाएगा, बजट सत्र में, नई सरकार बनने पर और संयुक्त अधिवेशन में। फिर आता है अनुच्छेद 178, विधानसभा अपने एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष को चुनेगी। फिर आता है अनुच्छेद 182, विधान परिषद अपने एक सभापति और उपसभापति को चुनेगी। फिर आता है अनुच्छेद 186, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। फिर आता है अनुच्छेद 192, एमएलए को सस्पेंड कर देना या यदि वह 2 माह तक अनुपस्थित हो, मतलब 2 माह तक अगर एमएलए अनुपस्थित रहता है तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 193, विधानसभा के सदस्य को 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान। फिर आता है अनुच्छेद 202, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट बोल सकते हैं, यह हमेशा मुख्यमंत्री पेश करता है। अनुच्छेद 213 कहता है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर आता है राज्य के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आगे आता है अनुच्छेद 231, 2 से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय एक अभिलेख होगा। अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से करेगा एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। फिर आपका इसमें एक पॉइंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है? 5 वर्ष का अनुभव जिला न्यायालय में और 10 वर्ष का अनुभव उच्च न्यायालय में वकालत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ। शपथ जो लेगा गवर्नर दिलाएगा और जो त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा। फिर आता है अनुच्छेद 220, उच्च न्यायालय का जज 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होगा और वह इसके 3 वर्ष पूर्व केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति ले सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 221, उच्च न्यायालय के जजों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित। फिर आता है अनुच्छेद 223, उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जज ही कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 224, उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश किसी भी जिला जज को राष्ट्रपति से परामर्श लेकर हाईकोर्ट में नियुक्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष के लिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 225, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त को भी नियुक्त कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 227, हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय पूरे राज्य में मान्य होगा। फिर आता है अनुच्छेद 228, केवल सुप्रीम कोर्ट ही उच्च न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 234, न्यायिक सेवाओं का प्रावधान, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 236, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज व हाई कोर्ट के सभी जज को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और जिला जज को राज्यपाल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको अपनी कोई भी नई वीडियो या कोई भी नई जानकारी तुरंत प्राप्त करा सके। और दोस्तों यदि आपको हमारे इससे पहले की वीडियो या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल सेल्फ स्टडी की प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।